आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर दे रखा है। पी आर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद द रियल कोएफिशिएंट ए बी सी, अपने के पास क्या है बी और सी रियल कोएफिशिएंट है। पी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू अपने के पास 1 के बराबर देखा है, यानी इसका इंटीग्रेशन जो है वो अपने के पास 1 के बराबर दे रखा है। पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स लीव द रिमाइंडर 5 वेन द डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो ये x माइनस 2 से अपने डिवाइड कर रहा है, तो पी ऑफ एक्स से अपने रिमाइंडर क्या हो रहा है 5 आ रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ अपने किसका वैल्यू निकालना है, तो 9 बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। चलिए काफी ज्यादा आसान है, सबसे पहले अपने पी ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस सी के बराबर। अब अपने के पास क्या करा है कि ये जो पी एक्स को अपने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कीजिए अपने कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 1 तक, और ये अपने पी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 1 के बराबर दे रखा है। यानी ये इंटीग्रेशन 0 से, यानी तो अपने पी ऑफ एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करे क्या, इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ गया अपने एक्स क्यू और अपॉन में किसके बराबर है 3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने बी एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने सी एक्स के बराबर, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सिखाए, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट अपने 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, वैल्यू इसमें पुट करना स्टार्ट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो यह आ गया 1/3 प्लस टाइम्स यह अपने बी बाई टू प्लस सी इक्वल टू अपने 1 के बराबर, क्योंकि लोअर लिमिट जैसे चिपकाएंगे ये 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने बी प्लस टू सी और होल अपॉन में 2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो अपने 3, तो यह गया 1 - 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अपने के पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये अपने के पास इधर आ गया, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास बी प्लस टू सी इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएंगे, बी प्लस टू सी इक्वल टू 3, 3 में से एक जाएगा 4, तो ये आ गया अपने 4/3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से अपने देख लीजिए, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, तो बी प्लस टू सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 4/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी तो आपने इसको क्या कीजिए, रेशनल नंबर में लिख लिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने के पास, फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता है रेशनल, तो अभी भी है फ्रैक्शनल में अच्छा नहीं लगता है, तो 3 + 6c इक्वल टू आ गया अपने 4 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब अपने के पास दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्स माइनस टू से अपने के पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी अपने पास क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि पी ऑफ 2 इक्वल टू अपने 5 के बराबर दे रहा है। ठीक है, पी ऑफ 2 इक्वल टू किस बराबर 5 के बराबर, तो पी ऑफ 2 बताइए, यहाँ से आ गया अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 2b प्लस सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 5 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2b प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 2b प्लस सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1 - 2b के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया 1 - 2b के बराबर। जब सी इक्वल टू आ गया 1 - 2b के बराबर, तो अब अपने के पास काम खत्म नहीं हुआ, अपने के पास कैलकुलेशन वाला काम कीजिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू अपने के पास किसमें पुट कर दी, इसमें पुट कर लीजिए, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया 3b प्लस टाइम 6 और इनटू आ गया 1 - 2b और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, 1 - 2b इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ से आ गया 3b प्लस टाइम 6 और माइनस टाइम्स ये आ गया 12b इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर, यहाँ से 12 में से 3 जाएगा तो 9b और इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 4 माइनस, बताइए 4 और माइनस टाइम्स अपने के बराबर 6 के बराबर, 9, 3, 12 लेकिन माइनस टाइम्स, तो यहाँ से आ गया 9b इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो अपने किसके बराबर आ जाएंगे, देख लीजिए अपने के पास 9 में से 6 से कुछ गलत हुआ है क्या, क्योंकि अपने पास 9b यहाँ पे आ रहे हैं और इधर अपने के पास 9b अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने के पास सॉरी 9 तो नहीं आएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स, ये भी माइनस टाइम, तो बी इक्वल टू आ गया अपने पास 2/9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो बी इक्वल टू आ गया 2/9 अगर कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ होगा, तो बी इक्वल टू आ गया अपने पास 2/9, तो सी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो सी का वैल्यू अपने पास यहाँ से अपने पास इसमें पुट कर लीजिए, इस को अपने पास इसमें चिपका दीजिए और इस सी को हम क्या किए इसमें चिपकाए हैं, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 × 2/9 के बराबर और प्लस टाइम 6c इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास 6c इक्वल टू आ गया अपने पास 4, 3 × 3 = 9 के बराबर ये हो जाएंगे, तो 4 माइनस टाइम्स अपने पास सॉल्व कीजिए, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर, यहाँ से 6c इक्वल टू आ गया अपने पास 3 + 12 = 12 और -2, ठीक है, और अपॉन में 3 के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया किसके बराबर 10 / 18 के बराबर। कुछ गलत किए हैं क्या, क्योंकि अपने पास फ्रैक्शन में आ रहे हैं यार ABC। खैर चलिए, यहाँ से अपने पास आएगा 6 × 3 के बराबर, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5 × 10 और ये आ गया 3 × 6 के बराबर, यानी सी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे
अपॉन नाइन के बराबर, सी इक्वल टू आ गया अपने पास फाइव अपॉन नाइन के बराबर, और बी इक्वल टू आ गया, अच्छा फाइव अपॉन नाइन भी आ गया, काम ही खत्म। यहाँ से अपने पास बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रखा है, बताइए यहाँ से अपने पास बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर होगा। हम तो सोच रहे थे कि अपने पास कुछ फ्रैक्शन में आ रहे हैं, अपने पास ऐसा ना हो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन से फ्रैक्शन में आंसर, अच्छा ऑप्शन दे रखा है भाई, हम इंटीजर टाइप सोच रहे थे। यहाँ से नाइन इंटू किसके बराबर दे रखा है, बी प्लस सी, बताइए। तो यहाँ से अपने पास नाइन इंटू बी आ गया अपने पास टू बाई नाइन के बराबर, और ये आ गया अपने पास फाइव बाई नाइन के बराबर, यहाँ से पाँच दो सात, तो नाइन इंटू सेवन बाई नाइन के बराबर, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, सेवन के बराबर। तो सेवन इज द करेक्ट आंसर, सेवन अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कैलकटा इज द करेक्ट बराबर। तो थोड़े से अपने पास दिमाग लगाना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर फ्रैक्शन में देख करके घबरा गए कि अपने पास फ्रैक्शन आ क्यों रहे हैं। तो ये थे आपके पास जेई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।